जी, वैलेंटाइन डे तो मुसलमानों का दिन ही नहीं, और आज हम किसी की बेटी की तरफ बुरी निगाह से देखेंगे तो कल कोई हमारी बेटी की तरफ भी बुरी निगाह से लाजिम देखेगा। अखलाकी तौर पर इन्हितात का शिकार था उसकी, ये वो अपनी सुन्नत मनाते हैं। मॉडरेशन है, जिद्दत जिसे लोग कहते हैं, उसमें जो उमरा की बिगड़ी हुई औलादें हैं, जो वेस्टर्न रिवाज को फॉलो करते हैं, वैलेंटाइन डे की बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान सिशार अलबारी आपकी खिदमत पे हाजिर है, और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान नासरी, जहां आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, वही आज जंग में गठबोड़ स्टार्टियस की जानब से खलीफा बिलाफा सैयद अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। यहाँ पर पहुंचे चेयरमैन पाकिस्तान से मदारिस शहरी मोहतरम जनाब उबैर गजाली साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जहाँ आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, वही आज स्टार न्यूज़ की जानब से खलीफा बिलाफा सैयद अबूबकर सिद्दीक के उनवान पर जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया है, आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें जी, वैलेंटाइन डे तो मुसलमानों का दिन ही नहीं है, ये एक पादरी जो अखलाकी तौर पर इन्हितात का शिकार था उसकी, ये वो अपनी सुन्नत मनाते हैं। हमारा तो असल इस्लाम हमारा बुनियादी दीन है, मंशूर हयात है, दस्तूर हयात है, और आज स्टार न्यूज़ का प्रोग्राम था इस बात का इरादा करने के लिए था कि हम मुसलमान हैं और हमें दिन मनाने हैं तो अपनी शख्सियात के मनाने चाहिए, ना कि दूसरे मजाहब के पादरियों के या पंडितों के मनाने चाहिए। नौजवान नस्ल को आप आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? नौजवान नस्ल को सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और हमारा आखरत पर यकीन है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, आखरत दारुल जज़ा है। इस दुनिया में जो करना है आखरत में वो हमें मिलना है। तो और एक और बात भी है कि दुनिया मकाफात अमल है। अगर आज हम किसी की बेटी की तरफ बुरी निगाह से देखेंगे तो कल कोई हमारी बेटी की तरफ भी बुरी निगाह से लाजिम देखेगा। तो चुनाचे अपनी इज्जतों के तहफ़ करने के लिए, अपनी इज्जतों को और अपनी चार दीवारी के तहफ़ के लिए, आप दूसरे की इज्जत को ना फैलाएँ, दूसरे की इज्जत को ना ताड़ें, ताकि आपकी अपनी इज्जत महफूज रह जाए। जो है जो खवातीन है वो यौम हया के तौर पर मना रही हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें कि हमारे पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी की ख़वातीन की सरदार आला अंजुमन और ख़वातीन की शुबाना करीम जो यूके में होती हैं, और डॉक्टर खतीजा जो हैं पिंडी में लेक्चरार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं पीएचडी, उन्होंने पॉलिसी जारी की थी अपनी शुरा की वसातत से कि हम हया डे के तौर पर मनाएँगे। हमारी पूरी तंजीम की तमाम बहनें, तमाम हमारी माएँ जो हमारी तंजीम में मुंसलिक हैं और जद्दोजहद कर रही हैं, वो सब हया डे के तौर पे मना रही हैं, और उनकी कोशिश और काविश ये है कि हम अपनी बेटियों को सही इस्लामी रूह से रोशनास करें, बजाय इसके कि हम ईसाई पादरियों के और पंडितों के, मैं समझता हूँ कि रवश पर चलने की बजाय हम उन्हें दीन पर, हज़रत आयशा और हज़रत फातिमा की रवश पर चलना सिखाएँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इमरान काजी साहब, दुनिया नकाबत पर एक असीब नाम है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि आज जहां वैलेंटाइन डे के हवाले से लोग जो है मना रहे हैं, वही आज खलीफा बिलाफत सैयद अबूबकर सिद्दीक का सेमिनार के इनेकाद किया गया, आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़ीशान भाई, मसला ये है कि बात सारी तरबियत की होती है, जो मॉडरेशन है, जिद्दत जिसे लोग कहते हैं, उसमें जो उमरा की बिगड़ी हुई औलादें हैं, जो वेस्टर्न रिवाज को फॉलो करते हैं, उनके बरक्स चूँकि हमारी तरबियत दीनी हवाले से हुई है, तो हम वैलेंटाइन डे की बजाय खलीफा बिलाफसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके हवाले से प्रोग्राम में शिरकत करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे आइडियल कोई अंग्रेज़ या वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है। हमारा जो आइडियल है वो ताजदार कायनात हैं या उनके असहाबा हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन मोहतरम उमैर अल-गज़ाली साहब, जो कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी के चेयरमैन हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि आज का दिन जो है वो यौम हया के तौर पर मनाना चाहिए, ना कि हमें गैर वसब के जो बनाया गया तरीक़ा है उस पर अमल किया जाए। अपने मेज़बान सिशार अल-बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए।